इसको बोलते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक, नेजो गैस्ट्रिक, ये कहाँ से जाएगी नाक से पहुँचेगी कहाँ, गैस्ट्रो में, इसलिए नेजो गैस्ट्रिक। इसने बनाया था रायल साहब ने बनाया था, तो राइस ट्यूब इसको लगाने के लिए पेशेंट क्योंकि हमारा कॉन्शियस है, विलिंग है, इनको पता है कि इनको ट्यूब डाली जानी है, इस वजह से हम इनको सिटिंग पोजीशन में डालेंगे। सिटिंग पोजीशन में डालना बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, पेशेंट कोऑपरेटिव होता है। कुछ भी प्रोसीजर करने से पहले हमें इनका सबसे पहले कंफर्म करना है कि पेशेंट हमारा सही है या नहीं। आपका नाम क्या है सर? जी राम सर। ठीक है, नाम कंफर्म कर लिया, फाइल पे ऑर्डर कंफर्म कर लिया, उसके बाद हमें सेटअप बनाना है। हमने कौन सी ट्यूब सेलेक्ट करी है? हमने राइस ट्यूब सेलेक्ट करी है, FR नंबर 16, 16 और 18 की ट्यूब आती है। जो भी हमारा पर्पज है पेशेंट के साइज के हिसाब से हम सेटअप करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, इसका इंसर्शन लेंथ कितना होगा, कितना अंदर करेंगे, उसका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है। पेशेंट का हेड कवर कीजिए नाक से लेकर यहाँ के ईयर लोब तक, और ईयर लोब से आपका ज़ीफी स्टर्नम तक। ज़ीफी स्टर्नम कहाँ है? ये गैप है, ये स्टर्नम सीधी सीधी हार्ड आ रही है, यहाँ पे गैप है, ये ज़ीफी स्टर्नम। और नाक से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी लेंथ आएगी उतना तक हम इसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ज़ाइलोकेन जेल यूज़ करेंगे। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, कोई खास नहीं है। जो अनकॉन्शियस होते हैं उनमें प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कॉन्शियस फीलिंग है उसमें कुछ नहीं। सबसे पहले हम उनको बिठा देंगे, बैठक करो, छोड़ दीजिए उसको, बैठक कर दीजिए, बिल्कुल सीधा आप कर दीजिए, आप आराम से बैठिए। ठीक है, प्रोसीजर का थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये ट्यूब हम अंदर करेंगे लेकिन उसमें जेली लगा देंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है रिक्वेस्ट पर। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो हम आपसे बोलेंगे पानी पीजिए, जैसे आप पानी गटकते हैं वैसे आपको मूवमेंट करना है, तो ये ट्यूब आराम से उसमें जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सांस की नली में जा सकती है। ठीक है, तो फिर हमें दोबारा डालना, तो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा आपको फॉलो करना। ओके, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैंड हाइजीन, हमने हैंड हाइजीन फॉलो कर नहीं करना है डेफिनेटली। अब क्योंकि ये बॉडी के अंदर जा रहा है तो ये एक एसेप्टिक प्रोसीजर है। ठीक है, तो हमें स्टराइलिटी को भी ध्यान रखना है। स्टराइलिटी को ध्यान रखने के लिए हम ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने की एक टेक्निक होती है स्टराइल ग्लव्स पहनने की, वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। वो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप उसको फॉलोअप कर रहे हो तो कभी भी आपकी उंगली फंसेगी नहीं ग्लव्स पहनने में और इजीली काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखें, हमेशा आप हॉस्पिटल में अकेले नहीं होते, आपके पास टीम होती है, तो आप हमेशा अपने साथ एक टीम ले, एक असिस्टेंट ले जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ले लो, नहीं उनको ऐसे ही रहने, कोई बात नहीं, आपने प्रोसीजर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब बोलना। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि हमने लूज ग्लव्स पहने हैं तो हम इसको भी सैनिटाइज कर लेते हैं एक बार। सैनिटाइज करने के बाद हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहला हम यह काम ये करेंगे कि हमें ज़ीफ़ी स्टर्नम तक उसकी लेंथ नापनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्यूब चाहिए। राइस ट्यूब खोलिए, अब जब इन्होंने खोला है तो ये अंदर का ऐसा टच नहीं करेंगे, हम अंदर से इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हमें दो चीज़ें देखनी है, पहला तो ये ट्यूब खुली होगी, हमेशा खुली हुई होगी। आपको इसे इंसर्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसको बंद कर दें, खुली हुई ट्यूब इंसर्ट नहीं कर दें। ठीक है, आप हमेशा बंद करके ही ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ट्यूब इंसर्ट हो गई, अब हमें लेंथ नापनी है, तो इसका कवरिंग हम हटा देंगे। लेंथ नापने के लिए ध्यान रखें, इस ट्यूब को पेशेंट को टच नहीं करना, आपने सिर्फ अंदाज़ा लेना है कि कितनी लेंथ पे आएगा। तो सर उधर कीजिए, नाक से लेकर ज़ीफ़ी कान के लोब तक ये आ गया, और कान के लोब से लेकर ज़ीफ़ी स्टर्नम तक जो आएगा वो ये आ गया। यहाँ तक का हमें अंदाज़ा था, ज़ीफ़ी स्टर्नम यहाँ पर है। अब हमारी मार्किंग कितने पे आ गई, हमारी मार्किंग ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर के ऊपर आ गई। ठीक है, इसमें मार्किंग बनी, तो हमें इसको कम से कम 50 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का तरीका जेली, इसको ऐसे पकड़ना है, जेली हाथ में लेनी है, या फिर आप किडनी ट्रे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी जो टिप है, टिप से पीछे की तरफ आप इसको लूप करना शुरू करोगे। ठीक है, बहुत से लोग आगे से पीछे करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, वैसे कैसे भी कर सकते हो, बस अच्छे से ये लूप होनी चाहिए। ध्यान रखो बहुत ज़्यादा ल्यूब नहीं करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब नाक से लेकर गले तक जाएगा तब उतने में आपकी ल्यूब अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, हमने इस ट्यूब को ल्यूब कर दिया, ये देख रहे हो आप, इस अभी मैंने दिखाया नहीं आपको, इस ट्यूब के अंदर होल्स हैं, ये होल्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं ताकि एक होल अगर ब्लॉक भी हो जाए तो भी दूसरे होल से काम चलता रहे, प्रॉब्लम ना हो। ये ट्यूब एस्पिरेशन करने के लिए और फीडिंग देने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है ये ऐसे, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता तो हम इसके हेड के पीछे खड़े होकर ऐसे इंसर्ट करते, तब हम इसको ऐसे पकड़ते,
लेकिन अभी क्योंकि हम सीधे सीधे ऐसे सेंड कर रहे हैं तो हम इसको सीधे ऐसे करके पकड़ेंगे, ठीक है, रेडी है, ओके। जब इंसर्ट करेंगे आपको थोड़ी सी उलझन होगी, लेकिन आपने पानी घटकने का काम कर रहे हैं, ठीक। अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा, ओके। टाइट नहीं करियो, टाइट नहीं करियो, ठीक है, ठीक है। मुंह बंद रखो, कोई बात नहीं, मुंह बंद कीजिए, पानी पीजो, बाकी वाला पहले ही। हां घोटिए, पीछे नहीं जाइए, पीछे नहीं जाइए, आराम से, आराम से, आराम से, ये जाने दीजिए, जाने दीजिए, ढीला कीजिए, बिल्कुल ढीला कीजिए, कोई बात नहीं। आप इनको कल भी ट्यूब डालने की कोशिश करी गई थी, बता रहे, लेकिन उसमें ब्लड आ गया था और ट्यूब नहीं गई। इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है, ट्यूब जा चुकी है, ठीक। ये सिर्फ उसको 50 ml या 20 ml, ठीक है, ओके। कोई परेशानी? बस। अब हमको ये चेक करना है कि हमारी ट्यूब सही पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ठीक है। कैसे पता लगेगा सही पड़ी है कि नहीं? पहला तो अगर सांस की नली में गई होती तो लगातार खांसी आ रही है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उलझन होती है। दूसरा, अभी हम इसको सिरिंज से इन्फ्लेट करके चेक करेंगे। एक कॉटन सॉप दो, नहीं ट्यूब को सिक्योर करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि ट्यूब सही पड़ी है कि नहीं। ट्यूब कैसे सही पड़ी है कैसे पता लगेगा? स्टेथोस्कोप लगाइए। कोई बात नहीं, इसको स्टमक पे रखेंगे। स्टमक पे कैसे रखेंगे? जो जीपी स्टर्नम है, जस्ट जीपी स्टर्नम के ठीक नीचे आप स्टेथोस्कोप को रखोगे। अगर इधर उधर रखोगे तो लंग्स में आवाज आएगी। अब क्या होगा, हम इससे एयर पुश करेंगे, इसको पूरा का पूरा ऊपर खींच के एयर पुश करेंगे। 50 ml या 20 ml से आप कर सकते हैं। एयर पुश करने से आवाज़ आएगी हवा जाने की। अगर लंग्स में गया होगा तो स्टमक पे आवाज़ नहीं आएगी। अगर स्टमक में गया होगा तो आवाज़ नहीं आएगी। अभी इन्होंने पोजीशन स्टमक में किया हुआ है। मुझे भी सुनना है। ठीक, लंग्स पे चेक करो।
ओके। अभी हमारी ये ट्यूब बिल्कुल सटीक फिट हो गई है। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट होगा, अगर हमें एस्पिरेट करना है तो हम इसी से इसको एस्पिरेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसको करके खींचोगे, कंटेंट आया, कंटेंट आया, यस और नो? ठीक है, ये कंटेंट आया, यस। क्लियर हो गया कि हमारी ट्यूब सही पड़ी है? ओके, श्योर। बस इसीलिए आपको इसको तुरंत सिक्योर करना होगा। थोड़ा सा इंसर्ट और कर दीजिए, क्योंकि नमाज करूँ तो नीचे इसको नाक ऊपर से लगाओ, बड़ा होना ऐसा। इसको सिक्योर करने का बेस्ट तरीका है, आप इसको 20 से 200 में काट ले और उस बड़े वाले हिस्से को ऊपर लगा ले, इसको नीचे से घुमाकर आपने ट्यूब को इधर सिक्योर कर देना, ठीक है, और इस वाले को घुमाकर इधर सिक्योर। ओके, ये आपकी ट्यूब सेट हो गई। कई बार ऐसा होगा, हाँ, वो ये गले की नली, गली में नली पड़ी ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, परेशानी है कोई बात। कई बार ऐसा होगा जब हम पेशेंट की इसको अगर सिक्योर करना होगा तो हम इसको ऐसे घुमाकर यहाँ पर टेप कर देते हैं। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस और विलिंग है। जब अनकॉन्शियस और इरिटेटेड पेशेंट होगा तो इसको घुमाकर यहाँ पर टेम्पोरल रीजन पर टेप लगा देंगे तो ये सिक्योर हो जाए। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं खुलेंगे। अब इससे हमें अगर कुछ पेशेंट को फीड देनी है, लवाज करना है, कुछ भी करना है तो हम इसको कर सकते हैं। आप ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब पेशेंट को आपने प्रोसीजर कर लिया, अब उसकी कंडीशन कैसी है। इस प्रोसीजर के बाद हमें इसके वाइटल्स चेक करने, इवैल्यूएट करना है पेशेंट को, इज इट ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। आपको थोड़ा सा उलझन लगेगा क्योंकि आपके गले में ऐसा लगेगा आपको कुछ फंसा हुआ है ना, ये नली ही अंदर लगी हुई है, इसकी वजह से बस आप थोड़ी देर के बाद ये कम्फर्टेबल, ठीक है, परेशान। Thank you.